हे गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आपको मेरे को देख के पता लग ही गया होगा कि मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ, पर आज हमारा नॉर्मल स्कूल नहीं है। आज जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, वही है। तो अभी बज रहे हैं 9, हम लोग थोड़ा लेट निकलेंगे क्योंकि पहले हम नाश्ता करेंगे, पहले हम चाय पियेंगे और लेट भी उठे हैं। पता है, मैं अभी 8:30 बजे उठी, जल्दी जल्दी नहा के फ्रेश होके फिर आई हूँ। और सबसे पहले हम पंचा के स्कूल जाएंगे, फिर मेरे जाएंगे, तो लेट तो और भी ज्यादा होना है। आगे पिटेगी। अच्छा, सूखी कहीं की खुद की। अच्छा, इसकी तो कभी शिकायत ही नहीं आई। भाई हमारे में रिकॉर्ड है, मतलब कह सकते हैं रिकॉर्ड है कि तीनों में से आज से किसी की पेरेंट्स मीटिंग में शिकायत नहीं आई है। थप्पड़ मारूंगी, ठीक है? तो अभी हम लोग पी रहे हैं ये देखो चाय। और जैसे कि पता होगा, मैं थोड़ी सब कुछ बेकारी कर देती हूँ और कपड़ों के मामले तो करती हूँ। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे ये बिछा रखा है। मम्मी ने जैसे नहीं है ना भाई, नहीं है तो मैं आज ही नहीं पहन के चली जाती हूँ। फिटिंग नहीं थी, मम्मी ने सुबह सुबह फिटिंग करी और एकदम मस्त फिटिंग हुई है। मम्मी बोल रही अपनी अपनी तारीफ कर रही मेरी की इससे ज्यादा टैलेंटेड कभी देखा है? अपनी माँ को देख, एक बारी में कर दी फिटिंग, साइज भी नहीं लिया तेरा। सुबह सुबह हम ये देखो यहाँ पे नाश्ता बना रही हैं। आज मम्मी ने बनाया है, बन गया, मतलब ऑलमोस्ट बन गया हमारे लिए लग रहा है। आलू गोभी बनाया है और पराठे बनाए हैं। तो चलो भाई, हम लोग अभी सब कुछ रेडी वेडी होते हैं, पहले वंशा के उसमें होके आते हैं, फिर मेरे में होके आते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या कंप्लेंट आई है और क्या क्या हुआ वहाँ पे। तो पेरेंट्स मीटिंग से आ गए हम लोग और सोना को भी लेकर आ गए हैं। हमारे पास पता है 1 घंटा बचा था, तो मम्मी और मैं बस ऐसे ही घूमे, मतलब गाड़ी में बैठ के घूमते रहे क्योंकि बाहर जाने की तो हिम्मत नहीं है। बाहर बहुत गर्मी में एसी में हम लोग ऐसी सड़कों पे गाड़ी लेके घूमते गए। और मैंने तो अपनी नींद पूरी कर ली, अभी भी नींद आ रही है। घर पे जाके सोऊंगी घूमते घूमते। पापा ने पूछा उनसे क्या करोगे? पापा ने पूछा उनसे क्या करोगे? हमने बोला की घूम लेते हैं भाई, घर पे बैठे क्या करेंगे। वंशी का घर पे बैठे मौज कर रही होगी क्योंकि घर पे कोई नहीं और वंशा को यही चाहिए होता है। पता नहीं क्या क्या बना के खा रही होगी। कुछ बना के खा रही होगी, एक्सपेरिमेंट कर रही होगी, और जो क्रीम वाले बिस्किट लाए वो चोरी कर रही होगी, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कर रही हो। 2:30 अपना सो रहे होंगे, वही पंखा वंखा चल रहा है, वो सो रहे होंगे आराम से। तो सूखी की फरमाइश पे हम कुछ लाए हैं। हाँ ठीक है, गाड़ी में खुशबू फैल गई है तो पता चल गया, ठीक है। फोन करके बोल रही पापा मोमोज लेके आना, मोमोज। तो फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी गर्दन हिला दी। ऐसे कर दिया, क्यों नहीं भाई, फायदा है अपना। तो वंशिया को खुशी दिलाते, घर पहुंच के वंशिया को यू करके दिखाते हैं, वंशिका के फिर एक्सप्रेशन देखते क्या होंगे। चलो भाई, जो सोना की फरमाइश पे आए थे, देखो क्या चपड़ चपड़ खा रही है, वो हम खाना शुरू कर दिया है। और आओ भाई, आओ, सबसे छोटी बाल दे चटनी चाउमीन में दे चटनी, मोमोज में दे चटनी, और चेहरा देख लो, मुझे खुश है या नहीं है? तो मुझे भी कर दिया था अपना, देख अपना। ये देखो भाई, आ जाओ दिखाती हूँ, ये हमारे पनीर मोमोज और ये रही चाउमीन चटनी। वाह वाह, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। ये देखो, हमसे पहले तो ये बैठ गए, इनको खिला दो। अरे बच्चे तुम नहीं खा सकते, वो देखो कोने में एक जगह कोल्ड ड्रिंक नहीं लाए थे। वैसे तो सोना नीचे नहीं जाएगी किसी काम के लिए, पर कोल्ड ड्रिंक लानी थी इसके लिए तो सोना भाग भाग के गई है हमारी। तो चलो भाई, जल्दी जल्दी हम खाएंगे और रेस्ट करेंगे, फिर बनाएंगे वीडियोस। मैं तैयार हुई थी वीडियोस बनाने के लिए और मैं आपको आज का अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। तो ये देखो, तो ये मैंने जींस पहनी है और ये मम्मी टॉप लाई थी सरोजनी से, जो कि हम भूल ही गए थे पहनना, आज मैंने निकाला, कहीं घुसा पड़ा था ये टॉप हमारी अलमारी में। तो फिर हमने ना, अब ये सब छोड़ो, हमने ना एक प्लान बनाया। याद है आपको, हमने दिन में वो मंगवाए थे मोमोज, तो मम्मी के 2 बज गए थे मोमोज, तो मम्मी ना भूल ही गई खाना, तो मम्मी को खाना नहीं है, तो मैं और सोना सोच रहे, देखना 2 मोमोज है, चुप बैठना थे, 2 मोमोज है ना, एक तू खा ले थे पहले, वंशिका नहा के। तो वंशिका गई है वो वाले रूम में नहाने, सही नहीं है देख ना, था तू आधा, तुम तो ना आधा खा लो, मेरे को एक दे दो।
साइज भी देखो ना, मेरा पेट बड़ा है ज्यादा, तो मेरे को ज्यादा लगेगा ना, है ना। तो सोना ये सब छोड़ ना, हम दोनों खा ले तो बोल देंगे मम्मी ने खा लिया बड़ा, ठीक है ये सब ठीक है। टाइसन अपना हिस्सा मांगने क्यों आ रहा है? अच्छा बिस्किट का हिस्सा मांगना है तो हम अभी दे, ओ क्या दे दो दीदी प्लीज मुझे ये क्यूटी पंजी, मतलब तो करता ये देखो दीदी मुझे हैंडशेक पैनशेक करवा लो। ये देखो आपको आईज दिखाती हूँ इसकी, देखो ये देखो ये मेरी आईज है टाइसन, इसको हटाओ मैं कुछ नहीं ले रही इसको। टाइसन क्या हो रहा है ये, क्या है उसके वो लाल टपक रही यहाँ से, दे दे भाई। तो चलो भाई देखते जो भी होता है आपको बताते हैं, अपडेट देते हैं कौन खाएगा कौन नहीं। पर मैं तो ये चाहती हूँ कि वह सोना और मैं एक खा ले और काम निपट जाए। एक फनी चीज दिखाती हूँ, ऊपर देखो टेडी बेयर है ये रहा शिकारी वो रहा शिकार। हमने ना वीडियोस जब बनाई थी तो वहां पे टंगा दिया था, और ये शिकारी जब से उसको घूरा ही जा रहा है और ऐसे पूछ हिला रहा है कि कोई इसको वहां से निकाल के दे दो। मम्मी एक बार निकाल के देखना पागल हो जाएगा ये। देखो मम्मी वहां पर खाना बना रही है, हाँ उसका दिल वैसे ही निकल चुका है। ये देखो ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भोला सा बनना है ना, आप देखना इसको जंगली रूप दिखाऊंगी आपको। ओए होए ले भी लिया, तुम छोटी सी हो ना मम्मी, छोटी सी हो ना मम्मी, इसलिए अब इन दोनों की लड़ाई चलती रहेगी, खेलते ही रहेंगे। तो मम्मी से, मम्मी क्या बना रही हो आज? दाल चावल। ओ हमारा चिंटू आज दाल चावल बना रहा है, ये मैडम खा के नहीं गई यहाँ से और बाहर जाके बोलते हैं कि मेरे को भूख लगी है। कौन कहता है कि अभी इनमें बचपना नहीं है? घर से खाना खा के नहीं गई, बाहर जाके बोलती कार में बैठ के साहिल मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। नहीं मिला था तो इसके पापा कह रहे इतनी चलाक हो रहा था, हम लोगों को आलू गोभी खिला दी नाश्ते में, इन्हें नहीं खाया और बाहर गाड़ी में बैठ के देखते भूख लग रही है। नहीं भाई मैंने चलाकी नहीं करी, आलू गोभी तो मुझे पसंद है लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला खाने का, पेरेंट्स मीटिंग था, दो दो जगह जाना था मुझे, तो इसीलिए मैंने कहा पहले बंसी का क्या हूँ क्या आती हूँ, फिर मोना के यहाँ जाती हूँ, फिर मैं सोचा जल्दी आ जाऊंगी घर, मोमोज खाने थे तुम्हें, फिर टाइम ही लग गया, भूख लग गई, मैंने मना, मेरे को भूख लग गई। देखो हम नहीं मान रहे, हम तो यही जानते हैं कि मम्मी को मोमोज खाने थे, इसलिए मम्मी ने ये सब चालबाजी करी, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि मम्मी के मुंह पे अभी वो चलाकपंती दिख रही थी या नहीं, हमें तो साफ साफ दिख रही थी, ठीक है। अभी हमने मोमोज खून पे चला, पता अभी हमने मोमोज नहीं खाया, वंचिका आएगी ना जब उसके साथ देखेंगे क्या। अरे मम्मी मम्मी ये वो बोलना ना ऐसे कि वंचिका मैं ना इन दोनों को दे रही हूँ मोमोज, तू कुछ और खा लियो, मतलब ऐसा बोलना कि हम दोनों को मिलना चाहिए उसको नहीं मिलना चाहिए। मैं क्यों बोलूं? क्यों बोलूं? मैं तो नहीं बोलूं। तुम चलाक नहीं हो, नहीं करोगी ऐसा? ना चलाक नहीं करूंगी। चिंटू बोल रही, लग नहीं रही देखना, मेरा बार बार वो डाल लेंगी, शॉर्ट्स डाल लेंगे चिंटू कहीं की, मैंने पापा चुराया है जो पापा का था पहले, अब मेरा है। अरे आज पेरेंट्स मीटिंग में गई थी, हीरोइन बने के दादी बन रही थी हीरोइन, सारी मम्मियों में से बेस्ट दिखना था ना, हाँ हीरोइन कहीं की, हीरोइन बहुत बनती है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा था, थोड़ा सा था, हाँ मैं मैरिड हूँ ना, बुढ़िया तुम्हारे बाहर से बोल रहे हो, मन तो अभी भी वही है जवान। तो हमारा डिनर हो गया है, डिनर बस बहुत सिंपल सा था हमारा डिनर, क्योंकि दिन में इतना सारा ठूस लिया था हम लोगों ने, हम तो ऐसे है ना, यानी एक दो खाए, एक दो सब बांटे, नहीं भाई 6-7 चाहिए मोमो सबको, और चाउमीन से अलग, चाउमीन अलग ही भाई। तो यहाँ पे एलेक्सा और टाइसन खा रहे हैं अपना खाना, मम्मी बनाकर मम्मी को मिक्स विक्स करके दे रही हैं जो ये खाते हैं। और मम्मी हम जब तुम्हें क्या, तो कैसे आइडिया आया कि यही खाना खाएंगे ये लोग, या तुमने कहीं देखा? यूट्यूब में सर्च मार ले। अच्छा यूट्यूब पे सर्च मारा था तुमने इनका खाना, तो मैं यही सोचती थी कि मम्मी को कैसे पता चला कि ये क्या खाएंगे। तो ये क्या चुगलियां चल रही है दोनों, ये देखो, अरे किसकी चुगलियां कर रहे हो भाई, ओए किसकी चुगलियां कर रहे हो? एडिटिंग वंची का एडिटिंग कर रही है, अरे वाह कुछ तो सही काम करा इसने, और मुझे सिखाने चली है मैम।
अच्छा तो यहाँ पे वंशिका भी नहा कर आई है, पता नहीं प्रोफेशनल कैमरामैन के साथ प्रोफेशनल एडिटर भी बन गई। ओहो, ये गलत फहमी है ना, एक दिन लेट हो गई। 5 years of experience, 25 मम्मी देख रहे हो, 25 एक्सपीरियंस, 25 इयर्स, 14-15 साल का बच्चा, 25 इयर्स का एक्सपीरियंस, ये देखो। तो कुछ सेंस है इस बात में? जन्म, पिछले जन्म का बात कर रही है। अच्छा हाँ, पिछले जन्म का बात कर रही है। क्या क्या? वो तो मम्मी भी नहीं हुई अभी, ये हो गई भाई, बकवास तो कितनी भी करवा लो इससे। तो हम लोग, मैं जा रही हूँ अभी यहाँ पे, देखो ये सब साफ करना है पहले, जो हमने खाना खाया ना, किसी को साफ करना है, एक छोटी बहन को पैदा कर दो मम्मी, मारो ही गद्दा वद्दा लगाऊंगी मैं, और आराम से सब लोग एसी चल ही रहा है, बैठ कर एडिटिंग करेंगे और थोड़े गप्पे शप्पे मारेंगे। अभी मैं भाई एडिटिंग कर ही रही थी और मेरा फोन खराब हो गया था, या खराब नहीं मतलब पता नहीं क्या हो गया था, हैंग हो गया था मेरा फोन और मैं एडिटिंग कर ही नहीं पा रही थी। मेरी इतनी ज्यादा डर रही थी मैं कि मेरे पापा को पता है ये बात, और पता क्या हुआ, जैसे कि हम एडिटिंग करते हैं ना, तो एकदम से मेरे से इंस्टाग्राम खुल जाता है, रील देखती रहती हूँ, मैं एडिटिंग करना भूल जाती हूँ। तो मैंने पापा को दिया, आपने बोला, पापा ने बोला हो गया काम, मतलब हो गई एडिटिंग, तो मैंने बोला ऊपर से मेरा फोन भी हैंग पड़ा था भाई। तो मैं अभी सोना के फोन से कर रही थी एडिटिंग, ये वाले फोन से इससे व्लॉगिंग कर रही हूँ। फिर बताऊँ क्या हुआ, फनी चीज, अब उसमें एडिटिंग हो गई, हाफ बचा है, फिर ये वाला फोन सही हो गया। बोला हो क्या रहा, आप ऐसी लेन देन करती रहोगे वीडियो का? तो रात में ये सब हो रहा है मेरे साथ भाई, ऊपर से पता नहीं हमारे छत के ऊपर से आवाज आ रही है सोना। चल कोई काम कर रहा है अपने घर में का, हाँ तसल्ली दे दे, क्या पता भूत घर बना रहा है। हाँ ये तो छोड़ो भाई, मैं मजाक में कर रही हूँ। तो वंशिका सो गई आज जल्दी, चुड़ैल भूत नहीं आएगा। मेरे डायलॉग ना कॉफी मत कर यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा मेरे डायलॉग कुछ नहीं हो। तो चलो भाई आज का व्लॉग ही एंड करते हैं, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।